ओके गाइस, तो नए वीडियो के अंदर स्वागत है आप लोगों का। स्ट्राइक एकदम मजबूती से कंसिस्टेंट चल रही है, कंसिस्टेंट किंग ब्रो। हर सैटरडे वीडियो आ रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। फालतू बकवास नहीं करते, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 10 नहीं 13 मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि लिस्ट काफी ज्यादा लंबी बन गई, जो 2024 में रिलीज हुई है और तुम्हें 100% देखनी चाहिए। इंटरेस्ट मी नंबर 7 पे और नंबर 1 पे तो मेरी पर्सनल फेवरेट है, एंड नंबर 4 पे भी। नंबर 4 वाली तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ही है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नंबर 13 पे है कोई और मूवी नहीं, खिचड़ी 2। भाई बचपन में बहुत देखी इस मूवी को, मतलब दिन बना देती थी ये। संडे को आती थी 1 बजे से लेके 4 बजे तक, मस्त टाइम पास होता था। ये तो आँखों से गोली मार रहा है। हाय हाय रवि टंडन। नंबर 12, ये कोई सजेशन नहीं, एक इन्फॉर्मेशन है। जिन लोगों ने भी हेलो का सीजन 1 देखा है तुम्हें पता है कितनी क्रेजी वेब सीरीज थी वो, तो इसका सीजन 2 फाइनली आ चुका है, जाके देख सकते हो। मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, 2 एपिसोड देख चुका हूँ, बहुत ही क्रेजी है। नंबर 11 पे है गोस्टेड। हाँ मुझे पता है ये 2023 में आई थी, लेकिन इसका हिंदी वर्जन नहीं आया था, इसी वजह से मैंने कभी रिकमेंड नहीं की। लेकिन फाइनली 2024 के अंदर ये ऑफिशियली हिंदी में डब हो चुकी है और ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आई गेस। तो ये मूवी है तुम्हारी भाभी की अनादा आर्मर एंड क्रिस इवांस की। तो होता कुछ इस तरह से है, क्रिस इवांस एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह पे रहता है, अपने फादर की फार्मिंग में मदद करता है, बहुत ही सिंपल लड़का है, और एक लड़की वहां पे घूमने आती है। क्रिस इवांस को उस पे क्रश हो जाता है, दोनों चाय वाय पीते हैं, बात बढ़ती है और प्यार हो जाता है। बट अगले ही दिन वो गायब हो जाती है और क्रिस इवांस को लगता है कि वो किसी ट्रबल में है, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। जो बंदा एक गाँव से बाहर नहीं निकला वो लिटरली लंदन चला जाता है, एंड फिर पता चलता है कि तुम्हारी भाभी तो CIA में है। मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की है, स्पेशली इसकी जो कॉमेडी है वो मुझे पर्सनली काफी पसंद आई, एक्शन बहुत पसंद आया, और अनादर आर्मर तो। नंबर 10 पे है फाइटर। आई नो काफी लोगों को मैंने डिसअपॉइंट किया है, ये 10वें नंबर पे नहीं होनी चाहिए, बला 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 वाला, लेकिन भाई अभी तक ये थिएटर्स में ही है, OTT पर नहीं आई है, बट थोड़े दिनों में ये तुम्हें OTT पे देखने को मिल जाएगी, तो तुम घर पे बैठ के देख सकते हो बहुत ही जल्दी। तो तुम्हें वो ब्लैक डे तो याद होगा, 14 फरवरी वाला, जब पुलवामा अटैक हुआ था और उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे सोल्जर्स खो दिए थे इंडिया ने, उसी के ऊपर ये बेस्ड है, उसी कहानी से इंस्पायर लेके, उसी इवेंट से इंस्पिरेशन लेके ये पूरी पूरी कहानी ड्रॉ करते हैं। तुम्हें पता है कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ ख़त्म होगी, क्योंकि मोदी जी ने फिल्म पहले दिखा दी है। क्लाइमेक्स तो मोदी जी पहले बता चुके हैं, दैट्स वाई ये 10 नंबर पे है, बट मूवी बहुत बढ़िया, अगर आ जाए तो घर पे बैठ के तो देखने में कोई बुराई नहीं है, बस इसके गाने थोड़े से ओके। नंबर 9 पे काफी कमाल की मूवी है, नाम है लंट रानी। ओके ये प्रोनाउंसिएशन ना तुम खुद देख लो, यही है नाम जो है। ये मूवी G5 वालों ने बनाई है और काफी ज्यादा कमाल की थी, मैंने भी देखी। इसके अंदर बेसिकली 3 स्टोरीज चलती हैं सेपरेट और कनेक्ट नहीं होती, बेसिकली 3 स्टोरीज को मिलाकर एक मूवी बनाई है, जिसमें पहली स्टोरी होती है हमारे फेवरेट जॉनी लीवर सर की, जो कि पुलिस में होते हैं और उनको काम दिया जाता है एक क्रिमिनल को कोर्ट तक पहुंचाने के लिए, एंड उसके अंदर वो काफी कमाल की कॉमेडी क्रिएट करते हैं, जो कि पहली और फेवरेट स्टोरी बनती है। फिर सेकेंड स्टोरी होती है जो कोरोना के टाइम पे बेस्ड होती है, कैसे लोग एक दूसरे को ऊपर ऊंचा नीचा कर रहे थे उस हिसाब से, बट वो कहानी मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी नहीं। और तीसरी स्टोरी थी हमारे जीतू भैया की, जहाँ पे ये धरना देते हैं, अनशन बोलते हैं ना, भूखे पे टेंशन, हाँ तो वो करते हैं किसी रीजन की वजह से। इनकी अलग मांगी होती है जो मुझे भी नहीं पता चली, ना ट्रेलर में दिखाते हैं तो मैं स्पॉइल नहीं करूँगा। लेकिन इस मूवी की जो पहली कहानी थी जॉनी लीवर सर की और दूसरी थी जीतू भैया की, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। लेकिन याद रखना मूवी के अंदर तुम्हें डार्क कॉमेडी देखने को मिलती है, समझते हो ना, डार्क कॉमेडी तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते, वल्गर सीन नहीं है। 8वें नंबर पे है कैप्टन मिलर, जो इसी साल थिएटर्स में रिलीज हुई थी और फाइनली OTT पर आ चुकी है, तो तुम घर पे बैठ के देख सकते हो। भाई हमारे धनुष भाई की मूवी है, हल्के में मत लेना पहले बता रहा हूँ। तो कहानी मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं बता सकता, बट बेसिकली कहानी ये है कि एक लड़का होता है जिसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चल रही होती है, आराम से जॉब वॉब कर रहा होता है, लेकिन किसी रीजन की वजह से कुछ लोग उसकी पूरी लाइफ खत्म कर देते हैं, एंड भाई वो फिर बाद में वहाँ से ट्रांजिशन करता है कैप्टन मिलर के अंदर, एकदम गैंगस्टर बन जाता है और वो अपनी लड़ाई छेड़ देता है अंग्रेजों के खिलाफ। और ये टाइम सेट है जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, आज से 100-150 साल पहले। जितने भी भाई धनुष के फैन है वो तो डेफिनेटली मूवी देखेंगे। अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो 100% रिकमेंडेड। ओके 7वें नंबर पे जो मूवी है वो मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है, लाइक भाई क्या ही दिखा दिया था। तो बेसिकली होता क्या है कि ये एक नेटफ्लिक्स में मूवी आई थी जो हिंदी में अवेलेबल है, और 1.5 घंटे के आसपास की मूवी है। एक बंदा होता है जो फाइटर होता है, जो हमेशा लड़ाई वड़ाई करता है, बॉक्सिंग करता है, और उसी से उसका घर वर चलता है। एक दिन उसकी, लेकिन उसकी वजह से प्रोफेशनल लाइफ की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। 1 डे उसकी जो बेटी थी उसका बर्थडे था, एंड
उस 5 बजे का टाइम था, 5 बजे उसके पास कॉल आता है कि अगर तुम आज बर्थडे पार्टी में नहीं आए तो लीगल तरीके से मैं तुम्हारी बेटी को अपने पास रख लूँगी और तुम कभी उससे नहीं मिल पाओगे। एंड यही चीज़ें स्टार्ट होती हैं। वहाँ पे वो 5 बजे निकलता है और उसे 6 बजे पहुँचना है। 1 घंटे में सिर्फ 60 मिनट के अंदर उसे बहुत ज़्यादा दूर जाना है। वो वहाँ से भागना स्टार्ट करता है और जो जो प्रॉब्लम उसके सामने आती है, क्योंकि वो फाइट छोड़ के भाग गया है, अब कुछ लोगों ने वहाँ पे पैसे लगाए थे 2 नंबर के, तो वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं उसे पकड़ के वापस लाने के लिए। एंड भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल की मूवी है। अगर तुम्हें एक्शन और सस्पेंस मूवी चाहिए तो सस्पेंस इन द सेंस कि अगले मोमेंट क्या होगा उसके अंदर इंटरेस्टेड होना, एक्शन मूवी लवर हो तो 100% देखने लायक है। और लेकिन अगर तुम एक्शन मूवी लवर नहीं हो तो अगली मूवी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, अपग्रेडेड। इस मूवी का जो नाम है वो काफ़ी हद तक इसके एक मेन इवेंट की वजह से होता है। होता क्या है कि एक लड़की के प्रस्पेक्टिव से हमें एक कहानी शुरू होती हुई दिखाई देती है, जहाँ पे वो लड़की बहुत मेहनत करती है, आगे जाके एक जॉब करती है। जॉब में उसको कुछ काम दिया जाता है कि लंदन में जाके एक क्लाइंट को अप्रोच करना होता है उसे। वहाँ पे जाते टाइम जब फ्लाइट में वो बैठती है तो कंपनी वाले उसे लोअर क्लास के अंदर भेज देते हैं, बट किसी रीज़न की वजह से उसकी जो सीट है वो अपग्रेड कर देते हैं एकदम क्लास वाले में, जो सबसे महंगी वाली जो क्लास नहीं होती जहाँ पे अमीर लोग बैठते हैं, टेक्निकल गुरुजी बैठते हैं, तो वहाँ पर उसे बिठा देते हैं। एंड वहाँ पर वो मिलती है एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अमीर लड़के से, और उसे ये बताने की जरूरत, उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में वो उसे झूठ बोल देती है कि वो उस कंपनी की मालकिन है, दैट्स वाई वो इतनी महंगी सीट पे बैठ सकती है। तो बस यहीं से वो कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। 1 झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वो लड़का इसे पसंद करने लगता है, इन दोनों के बीच में लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। काफी तगड़ी कॉमेडी देखने को मिलती है। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो तुम मूवी के अंदर देखो, लेकिन मूवी को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखना, सीखने के लिए नहीं। मतलब ज़्यादातर मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए ही देखी जाती है, बट ये वाली सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बढ़िया कॉमेडी है और फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि काफ़ी कपड़े ना पसंदीदा लोग हैं ये, तो ध्यान रखना। हे माँ माता जी, एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, और अगर मैं पसंद आ रहा हूँ तो जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा देना, पैसे बनते हैं उससे बहुत। नंबर 5 पे है बेडलैंड हंटर्स। ये मूवी है मा डोंग शोंग की। ये सिंपल समझो, मैं समझाऊं तो ये साउथ कोरिया का सलमान खान है। मूवी के अंदर हमें एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पे अर्थक्विक की वजह से पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लोग सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते, कुछ भी नहीं है, सरकार वरकार खत्म हो चुकी है, सिर्फ लोग सर्वाइव कर रहे हैं। और उसी टाइम पे क्या होता है, एक तो हमारे मेन कैरेक्टर हैं मा डोंग सोंग, जो कि अपनी लाइफ शिकार करके निकाल रहे होते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, बढ़िया पैसे में बेच देते हैं उसके मांस को और बाकी का खा लेते हैं। और दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट होता है जो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है लोगों को ऊपर कि उन्हें और जिंदा कैसे रखा जा सकता है, और इसे एक्सपेरिमेंट करता करता उन्हें एक नई पावर दे देता है जिसकी वजह से उन्हें मार पाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, और उस साइंटिस्ट का पागलपन धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये दोनों ही एक दूसरे से अलग दुनिया में रहने वाले लोग एक साथ क्यों लड़ते हैं, एक दूसरे को क्यों पीटते हैं, वो फाइट क्यों होती है, वो तुम मूवी के अंदर देख के जानो। मूवी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, 1 सेकंड के लिए भी बोर फील नहीं होती, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 1.5 घंटे के आसपास की मूवी है, कभी भी शुरू करके कभी भी खत्म कर सकते हो। बाय द वे इसके अंदर एक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। अगली मूवी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, इसको 3rd नंबर पे रखने का बहुत सिंपल सी रीज़न है, क्योंकि ये 2 महीने पहले रिलीज हुई थी और 2 महीने पहले 2023 ही स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए ये 2023 की मूवी है, 2024 की नहीं है। बट सच बता रहा हूँ, अगर तुमने नहीं देखी है रेबल मून तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी मूवी है, लाइक बहुत ही ज़्यादा। जैक श्नाइडर ने बनाई है ये मूवी, अगर तुम डायरेक्टर्स को थोड़ा बहुत जानते हो तो ये एकदम सुप्रीम लेवल के डायरेक्टर हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि एक प्लेनेट के ऊपर हमें एक दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ लोग बढ़िया रह रहे होते हैं, खेती वेती करते हैं और अपना गुजारा चला रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ शिप्स आ जाती हैं आसमान से, कहीं से, कौन है किसी को नहीं पता। फिर पता चलता है कि वो जो लोग हैं वो दुनिया पे हर प्लेनेट पे जाते हैं और वहाँ पे कब्जा करते हैं, वहाँ की फसल ले लेते हैं और वहाँ के लोगों को मार देते हैं, और उनका सिर्फ एक ही मकसद है, पूरी की पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेना और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाना। और ये चीज़ जिस प्लेनेट पे वो जाते हैं वहाँ की एक लड़की को पहले से पता थी, कैसे पता थी वो तुम्हें मूवी में देखने को मिलेगा, और उसे पता चल जाता है कि ये जब फसल ले भी जाएंगे तब भी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि उनके साथ फाइट करने के लिए, और लड़की अकेली तो फाइट नहीं कर सकती, तो वो यूनिवर्स में निकल जाती है बाकी गैलेक्सीज़ के अंदर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने, ताकि अपनी एक बहुत कमाल की टीम बनाए, पावरफुल लोगों की टीम बनाए, और फिर बाद में वो उनसे लड़े, और यही आगे कंटिन्यू होता है मूवी के अंदर। मूवी के और भी 2-3 पार्ट आने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी देखने को मिलेंगे इसी साल, कुछ ही 2-3 महीने में आपको देखने को मिल जाएंगे।
घर पे बैठ के देख सकते हो भाई, बहुत ही ज्यादा प्यारी मूवी है अगर तुम्हें सुपर हीरो VFX टाइप हेवी मूवीज चाहिए होती है तो। और बेस्ट बात, अगर ये थिएटर्स में रिलीज होती भाई मजा ही आ जाता इसका, लेकिन ये डायरेक्ट ही OTT पे रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पे, तो तुम घर पे बैठ के देख सकते हो, बेस्ट फॉर यू। ओके, तो नंबर 3 पे है लिफ्ट, जो 2024 में ही आई है और काफी कमाल की मूवी है, जिसके अंदर तुम्हें केविन हार्ट देखने को मिलते हैं और उनकी कॉमेडी का तो तुम्हें भी पता है क्या ही कमाल की होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि केविन हार्ट इस मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा अमीर चोर होते हैं और ये चोरी इस तरह से करते हैं कि पता भी ना चले और वो चीज़ कभी चोरी भी ना हो और हमारा भी हमेशा फायदा हो जाए। वो तुम समझ जाओगे जब इस बंदे को वो लोग उठाएंगे। स्पॉइल दे दिया, नहीं मैं ब्लर कर दूंगा इसकी फोटो, बट डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कमाल की मजा आता है फिर। लेकिन ये इसका प्रोफेशन हो गया और इसकी एक बहुत ही कमाल की और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टीम है जिस पे मेरा दिल आ गया था, और वो टीम मिलकर ये चोरी करते हैं। बट एक CIA वालों को कुछ काम होता है जो कि वो लीगल तरीके से तो नहीं कर सकते, बट केविन हार्ट के थ्रू वो करवा सकते हैं और उस चीज को रोक सकते हैं। एक प्लेन होती है जिसके अंदर 777 पैसेंजर्स जाते हैं और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सोना होता है और केविन हार्ट को वो सोना चुराना होगा। एंड तुम्हें भी पता वो कैसे चोरी करेगा, मतलब तुम्हें कैसे पता होगा, तुमने मूवी नहीं देखी, बट बहुत ही ज्यादा कमाल तरीके से वो चोरी करता है। बहुत ही ज्यादा कमाल की मूवी है, 100% देखना। डार्क कॉमेडी, कॉमेडी और थोड़े से उन सीनों के लिए, बट मजा आ जाएगा तुम्हें। मतलब ये एक ऐसी मूवी है जिसको तुम आराम से कभी भी देख सकते हो, लाइट वेटेड है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी लेवल पे होती है, जा भी सब कुछ स्मूथली है, बोर नहीं करती, बेसिकली एक बहुत अच्छी मूवी जो तुम खाना खाते टाइम देख सकते हो, अगर तुम मेरी तरह खाना खाते टाइम मूवीज ढूंढते हो। इनकेस नंबर 2 पे है गुंटूर कारम, जो महेश बाबू की मूवी है जो कि काफी ज्यादा लोगों को पसंद आएगी। पहली बात तो साउथ की मूवी है, कॉमेडी है, महेश बाबू है, पॉलिटिक्स है, पावर है और भाई अपना गुंडा है एकदम रावड़ी, तो तुम्हें पता है कितनी मस्त मूवी होने वाली है। बस लॉजिक मत लगा ना। इस मूवी की स्टोरी काफी सिंपल है, फैमिली फ्रेंडली है ताकि फैमिली को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रमणा, पूरा नाम तो मैं भी प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है रमणा, उसकी मदर ने उसके फादर से शादी की थी लव मैरिज के चक्कर में और इंटरकास्ट शादी की थी, तो दोनों ही पक्षों की मिल एक जगह ऐसे दोस्ती नहीं है, फाइट करते रहते हैं और उसी चक्कर में एक बहुत ही कमाल की फाइट होती है, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी, जब रमणा बहुत ज़्यादा छोटा था और उस फाइट की वजह से रमणा की मदर अपने उसके हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है, मतलब कि रमणा के फादर को छोड़ के चली जाती है, अपने वापस मायके ही बोलेंगे शायद, हाँ मायके चली जाती है और दूसरी नई शादी कर लेती है, उसका नया बच्चा हो जाता है और वो पॉलिटिशियंस होते हैं, तो वो दोनों एकदम अलग अलग जीने लग जाते हैं। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है रमणा, वो हैंडसम लॉन्ग टॉन्ग टॉल होके एक बहुत ही ज्यादा कमल का रावड़ी बन जाता है, जो मिर्चों का बिजनेस करता है अपने मामा को चैलेंज करते करते, बहुत ही तगड़ी तरीके से कॉमेडी क्रिएट करने के लिए। ये लिटरली जैसे ही मूवी स्टार्ट होगी उसकी 5 या 6 मिनट की स्टोरी है। उसके बाद मेन मुद्दा यहाँ से शुरू होता है कि जो हमारा रमणा है उसे बुलाया जाता है उसकी मदर के थ्रू, उसके मदर के पास, और उसके सामने कुछ पेपर्स लिखे जाते हैं जिसमें उसे साइन करना होगा कि वो अपनी मदर का नाम कहीं यूज़ नहीं कर सकता, उसके मदर के पास जो इतनी सारी दौलत है उसका यूज़ नहीं कर सकता, ना उसे मिलेगी, और वो ताल्लुक तोड़ देगा, मतलब कि माँ और बेटे का डिवोर्स काइंड ऑफ। एंड यहाँ पर भी डिमांड सिर्फ औरतों की है, नो ऑफेंस। और बस इसी स्ट्रक्चर के बीच में बहुत सारी कॉमेडी तुम्हें देखने को मिलती है साउथ वाली, जिसके अंदर लॉजिक लगाओगे तो तुम ही पागल हो। फैमिली फ्रेंडली मूवी है, फैमिली को दिखाओगे मजा आ जाएगा, अकेले देखोगे और मजा आ जाएगा, खाना खाते टाइम देखोगे खाना भी हजम हो जाएगा। एंड नंबर 1 पे है डोंकी, शाहरुख खान वाली, जो कि अभी कल ही नहीं आज ही जस्ट अभी 24 घंटे के अंदर ही ये नेटफ्लिक्स पे आई है और मेरी नंबर 1 लिस्ट पे। तो तुम लोगों ने अगर नहीं देखी है तो अब तुम घर पे बैठ के देख सकते हो आराम से। तो कहानी बहुत ज़्यादा सिंपल सी होती है, एक गांव होता है, गांव के अंदर हमारे भाई साहब शाहरुख खान होते हैं और शाहरुख खान के कुछ दोस्त होते हैं, दोस्तों का ऐसा चाव होता है कि वो लंदन जाएंगे, लंदन वीज़ा के थ्रू नहीं जा सकते क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है और उनके पास कोई रीज़न नहीं है वैलिड कि वो जा सके। तो हमारे शाहरुख खान भाई एकदम प्यार के अंदर, प्यार में अंधे होकर उन्हें डंकी, एक रूट होता है अनऑफिशियल रूट जिसके अंदर वो डंकी लांद के लंदन उन्हें पहुंचाते हैं अपने दोस्तों को। एंड सिंपल मूवी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है सच। डंकी अगर तुमने नहीं देखी है तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, डंकी कॉमेडी है, इमोशनल है, सब कुछ परफेक्ट चलता है। तुम काफ़ी जगह इमोशनल चीज़ होगी, काफ़ी जगह इतनी तगड़ी कॉमेडी होगी तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे, लेकिन जो लास्ट था ना यार एंडिंग, वो मुझे बहुत बुरी हिट कर की थी। मतलब वो जब वो
मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन याद रखना एंडिंग जब वो इतनी गंदी फील होती है यार, बहुत ही ज्यादा अलग ही लेवल पे। आई थिंक बेस्ट मूवी या फिर बेस्ट एंडिंग मैं याद करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कमाल की मूवी तो थी। ओके, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए लाइक कर देना, और अगर मैं पसंद आ रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर पर्सनल कनेक्शन चाहिए या फिर मैं स्टोरीज लगाता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, जैसे कोई मूवी देखता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा कमाल की लगती है तो मैं उसकी स्टोरी लगा देता हूँ, तुम्हें भी वहाँ से सजेशंस मिल सकते हैं। पर्सनल कनेक्शन भी बना लेते हैं कभी कभी अपन बैठ के, तो वहाँ पर बढ़िया एकदम बकचोदी करता रहता हूँ मैं। तो इंस्टाग्राम पे जरूर जाके फॉलो कर लेना अगर करना हो तो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड।